So, firstly, welcome to our channel for Mezo, and thank you so much for giving us your time today for this interview. Thank you. It's a pleasure for me. So, firstly, tell us that how are you? Like, how's your schedule going on shooting here? Then you had some off, so you went on a trip. So, how has it been? First of all, I'm very good. I'm doing fantastic. अभी तो फिलहाल शूटिंग ऑफ है तो थोड़ा आराम चल रहा है. फिर मैं ट्रिप पे चले गया, बहुत मजा आया मुझे. तो ये तो रहा कि शूटिंग अब चल रहा है, शूटिंग से थोड़ा बहुत फ्री टाइम सब मिलता है. सो हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? जब शूटिंग ऑफ रहता है, आई वुड लाइक टू स्पेंड माय टाइम विद माय फ्रेंड्स, विद माय रिलेटिव्स, टू गो आउट एंड ग्रैब समथिंग. एक्चुअली आई एम वेरी वेरी बिग फूडी. मुझे खाना बहुत पसंद है. थोड़ा वेरी चबी बट खाना बहुत पसंद है मुझे. सो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मूवीज देखना, प्ले विद माय कैट, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, चलता रहता है. तो अब अगर हमें लाइक हमारे ऑडियंस को अगर आप कुछ बता पाए कि कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई, हाउ डिड यू कम इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट वाज योर फर्स्ट शो? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 आई गेस. यस, मेरे को पहले से शौक था एक्चुअली में एक्टिंग करने का. मैं डांस करता था, काफी अच्छी डांस करता था. पहले मेरी फर्स्ट डांस थी वो रब ने बता दी कि जोड़ी का सॉन्ग है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार. सो वहां से समझो मेरी जर्नी स्टार्टिंग हुई. फिर देन एक आंटी है मेरी, एक क्लोज रिलेटिव है, उसने सजेस्ट किया कि यू शुड गो एंड ट्राई दिस इंडस्ट्री. सो हम गए फिल्म इंडस्ट्री में फॉर अराउंड. वहां पे हमको एक जन मिला, उसने हमको बताया कि ऑडिशंस होते हैं, ये होता है वो होता है. देन मैंने एक ऑडिशन दिया था, बहुत ऑडिशंस दिए. देन आई क्रैक ऑडिशन फॉर ये है मोहब्बतें इन 2016 फॉर अ कैरेक्टर रोल. बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद ऑडिशंस चलते रहे एंड आई गॉट अनदर शो चलते आया. सो बेसिकली इट्स नॉट अ इजी थिंग. सबको ऐसा लगता है कि यार आप तारक मेहता में चले जाओ, यार आप अनुपमा में चले जाओ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द शोज. माय गॉड, डेफिनेटली लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स गो बिहाइंड गेटिंग वन कैरेक्टर एंड डूइंग वन शो. सो अब जैसे बात करें द करंट शो छोटी सरदारनी, तो उसमें जो आपका कैरेक्टर है, तो जब like how were you roped in for this character and when you got this character, so kya preparations rahi hain and what type of you know efforts or homework jo bolte ek character ko start karne se pehle kiya jata hai, so what type of preparations you did? So I did the audition for this character on 6th of July, mere birthday ke din pe. मेरे बर्थडे की पार्टी होने वाली थी और मेरे मॉम ने मुझे बोला कि ऑडिशन बनाने का है. इट्स फॉर अ वेरी गुड कैरेक्टर फॉर छोटी सरदारनी. छोटी सरदारी मैंने सीरियल सुना हुआ था बट देखा कभी नहीं था. फिर ऑडिशन दिया मैंने, फिर उनका बोला कि एक और रीटेक दीजिए. और जैसे आप सबको बताया कि ट्रिकी इज अ थोड़ा मेंटल बच्चा, तो मेंटल बच्चे की एक्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है. और मेरा बर्थडे भी था, फिर मैंने फिर भी ट्राई किया कि चलो कर देते हैं. और मैंने किया, आई गॉट सिलेक्टेड, शूट चालू हुआ. होमवर्क ये हुआ कि बेसिकली आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन. मैं यहाँ वहाँ नाचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर उस पर मुझे सिचुएशंस को और सीन्स को बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ता था कि मुझे अब यहाँ पे क्या करना है. बेसिकली मैं कहाँ पे था, हाँ, ये जो सीन ट्रिकी के लिए सीन्स को अंडरस्टैंड करना कि इसको कैसे रिएक्ट करना है, अभी कैसे इमोशंस लाने हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट था. बट एज द शूटिंग चालू हो गई, मेरे साथ में मेरी बड़ी भी थी जो इट्स अ वेरी सीनियर एक्टर, मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया कि यू शुड डू दिस, तो हो गया. डेफिनेटली चैलेंज होता है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना. सो जो आपका कैरेक्टर है, तो व्हाट इज योर पर्सनल फेवरेट थिंग इन अ कैरेक्टर एंड आपके जितने परफॉर्मेंसेस हुए हैं अब तक शो में, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो आपको यू नो बहुत स्पेशल लगता है कि हाँ दैट वाज माय वेरी नाइस परफॉर्मेंस इन द शो? या मेरी बहन मेरी जान शहर की शादी हो रही थी और उसकी विदाई हो रही थी, तो ट्रिकी बहुत रोया था. इतना रोया था कि उसकी आंखें सच पर रो के बाहर आ गई थी. इट्स अ
माय वेरी फेवरेट सीन, मेरे को मन से बहुत पसंद है वो. या सो वो सीन इतना मेरे मन के अंदर है ना, कितनी बार तो मैं खुद ही वो सीन देखता रहता हूँ कि नहीं यार ये सीन बहुत अच्छा है, देखना है. और लिटरली आई क्राई, मैं अपने सीन को देखो अपने आप को रोते हुए देखता हूँ. बहुत अच्छा सीन है वो, आप भी देखेगा, शहर की विदाई का सीन. तो अब जैसे कि बीच में आप लोग ने रेट्रो लुक्स भी रिक्रिएट किए थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये सारे लुक्स में आके पूरी कास्ट के साथ, क्योंकि रील्स एंड पिक्चर्स ये सब तो हमने देखा ही है सोशल मीडिया पे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर दैट सीक्वेंस? रेट्रो लुक की पार्टी वाज अ न्यू थिंग फॉर मी. मैं कभी से रेट्रो लुक ट्राई नहीं किया है, लाइक वियरिंग बेल बॉटम, विग्स लगाना, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट्स पहनना. इट्स फॉर फर्स्ट टाइम फॉर मी. जब मुझे पता चला कि रेट्रो थीम होने वाली है, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे ये लोग क्या बनाने क्या वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यू लुक लाइक ऋषि कपूर, यू लुक लाइक कपूर फैमिली. तो मैं उनको बोला गया मुझे तुम लोग प्लीज कोई कपूर फैमिली का एक कैरेक्टर बनाना. So they made me wear a very big shirt of a big collar coat in a wig. जब मैं सेट पे गया सब लोग बोल रहे थे ऋषि कपूर आ गया, ऋषि कपूर आ गया, ऋषि कपूर आ गया. तो बहुत अच्छा था. बाकी सब कैरेक्टर्स को भी अलग अलग कैरेक्टर बनाया था. कोई ओम शांति ओम, जैसे अधिक ओम शांति ओम का बना था. एंड सहर जो बनी थी शांति, ऐसे कई कैरेक्टर्स थे जो उनको देख के मजा आया था, लग रहा था कि ये ऐसी शूटिंग होते रहे. We should not get to a normal routine. Definitely, ऐसे new looks में आना, new experiments करने से बहुत ज़्यादा excitement होती है और लगता है कि उसी में continue करें. Yeah. बात करें तो cast की जो bonding है वो इतनी अच्छी है कि इतने सारे off-screen moments देखने मिलते हैं, जैसे कि आपने बताया वो senior actor के साथ भी आपके इतने सारे stories and pictures हमने देखे हैं. तो अगर ऐसा कोई moment हो जो बहुत मेमोरेबल रहा हो सेट से, या फिर एज यू आर द यंगेस्ट सो मे बी यू हैव प्लेड सम प्रैंक ऑन समवन, या फिर एनीथिंग लाइक दैट इफ यू वुड लाइक टू शेयर. या दिस वाज अ करेक्ट सेंटेंस, एंड आई वाज यंगेस्ट ऑन द सेट. तो मेरी सबके साथ बॉन्डिंग, सब मुझे बहुत प्यार करते थे. लाइक आई वाज अ लाडला ऑन द सेट, सब लोग मुझे पकड़ के प्यार करते थे. तो सबसे ज्यादा मेरी बॉन्डिंग थी इन द सेट विद बड़ी भी अपरा मेहता एंड अधिक कर, who was playing Karan. तो उनके साथ ऐसा था कि मेरा सीन हो गया, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम. बट बहुत बातें होती थी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे हम. इतनी बातें करते थे कि आगे के 50 साल में क्या होने वाला है, उतनी बातें पहुंच जाती थी. सो प्रैंक्स की बात करें तो प्रैंक्स तो हुए नहीं क्योंकि सीन्स में ही बिजी हो जाते थे. बट लंच टाइम में हम सब एक इकट्ठे होके लंच करते थे, हमने उनोस खेलते थे, नेवर एवर एवर, मतलब बहुत मजा किया. इन शॉर्ट अभी तो एग्जिट हो गई है बहुत लोगों की, तो वो मजा नहीं रहा. पर ठीक है, शहर है, माहिर है, अधिक करम सब है, मजा आ रहा है बहुत. डेफिनेटली. सो अब जैसे कोई भी शो जब आप करते हैं तो शो करने के बाद जो भी शो में सीखा है you definitely take something back in your personal life. So up to jitne shows kiye and the show that you're doing, so how much it has helped you as an actor, and show mein se aisa kuch tha jo aap jo you know you have taken back in your personal life and implemented? Ye show mein se to maine ye implement kiya hai ki mujhe sabko respect karna chahiye first thing. To क्योंकि ट्रिकी वॉज अ स्मॉल बॉय, वो सबकी रिस्पेक्ट करता था. बड़ी थोड़ा मेंटली चैलेंज था पर सबकी रिस्पेक्ट करता था, वेदर इट बी अ स्मॉल बॉय, वेदर इट बी अ वेरी बिग पर्सन ऑफ वर्ड. तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया. बाकी ट्रिकी को तो मैंने इम्प्लीमेंट किया आपसे हरकतें दिखा के. तो अब जैसे कि ये कैरेक्टर्स अब तक जो कैरेक्टर्स किए उसके अलावा इज देयर एनी पर्सनल यू नो चॉइस कि मुझे इन फ्यूचर ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं, सो व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर? मुझे दो टाइप के कैरेक्टर्स करने, एक तो हीरो और एक विलन. हीरो में इन द सेंस आई वांट माय हीरोइन जिनके साथ मेरे सीन्स हो, ऑडियंस जो ऑडियंस को पसंद है. और सेकंड विलन के दो कबाब में हड्डी बनने वाला, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं सीरीज करने में. जैसे ऑडियंस को देखने में मजा आता है, वैसे मैं एक्टर्स को करने में मजा आता है. मैंने एक सीरियल किया था दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली, वो भी कलर्स टीवी का ही था. उसपे मैं सलीम का बड़ा भाई बना था. उसपे भी मेरे बहुत अच्छे सीन्स थे कि मैं कैसे अपने छोटे भाई को
परेशान कर रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, उसको ये कर रहा हूँ, तो मजा आता है ऐसे चीज करने में। ओके सो लास्टली जो ऑडियंस है, फैंस हैं जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके कैरेक्टर को, शो को, तो उनके लिए अगर जाने से पहले कुछ मैसेज। थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने रिसेंटली 10K फॉलोअर्स भी कंप्लीट किए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आगे भी सपोर्ट करते रहना जैसे अभी कर रहे हैं। अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी जर्नी चालू होने वाली है, अभी तो लाइफ की सीढ़ी चालू हुई है, ये सीढ़ी बढ़ते 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 बहुत ऊपर जाने वाली है, तो आपका सपोर्ट तो चाहिए ही हमें, आपके सपोर्ट के साथ कुछ भी नहीं है हम लोग। तो टीम फमेजो की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस, एंड अभी जो शो चल रहा है, इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स होंगे सबके लिए बेस्ट विशेस, एंड जो आप चाहते हैं आपको मिले, लाइक द टाइप ऑफ रोल्स एंड कैरेक्टर्स एंड शोज यू आर लुकिंग फॉर, एंड थैंक यू सो मच टुडे फॉर कनेक्टिंग। सो हाय, आई एम प्रिंस, यू आर वॉचिंग मी ऑन फमेजो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फमेजो चैनल। Oh,